तो ये आपका सेकंड साइकोलॉजी टेस्ट है जिसका नाम है मेंटल वर्क एंड फैटिक। तो ये सेकंड साइकोलॉजी टेस्ट आपका 415 में है जिसमें आपको ये सब क्राइटेरिया को पूरा करना है। सो दिस इज योर थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द फैटिक। फैटिक क्या है उसका आपको इंट्रोडक्शन देखना है और मीनिंग ऑफ द फैटिक, उसके पीछे डेफिनेशन डालना है, काइंड्स ऑफ द फैटिक, एंड अगर आपको दूसरा कोई पॉइंट्स लगता है तो आप उसको ऐड कर सकता है। थियोरिटिकल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द फैटिक। तो इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपका सबका ये एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोगों का मेमोरी टेस्ट में दो आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन आपका ये मेंटल या में आपका तीन है। तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ द फैटिक ऑन मेंटल वर्क जानना है। तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ द फैटिक अंडर द कंटिन्यूअस एंड इंटरप्टेड कंडीशन, उसमें कैसा इफेक्ट होता है। एंड लास्ट में आपका क्या है, कंपेयर करना है परफॉर्मेंस ऑफ द सब्जेक्ट अंडर द कंटिन्यूअस में ज़्यादा इफेक्टिव है या इंटरप्टेड परफॉर्मेंस में है। ओके नाउ आपको यहाँ पे तीन हाइपोथेटिस लिखना है, जैसे कि आपका जो जो ऑब्जेक्टिव दिया उसी का फ्रेम में आपको यहाँ आंसर देना है। टेंटेटिव रिजल्ट यहाँ पे तीन अलग करके देना है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, और इसमें आपका क्या होगा, नेम देना है, एज देना है, जेंडर देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल वर्क, इसमें आप नॉर्मल लिखने से भी हो जाएगा, एंड टाइम कौन सा टाइम में कर रहा है, एंड प्लेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहा है। नाउ इसमें आपका जो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा, जैसे 20 सैंपल आपका, तो 20 कॉपी ऑफ द क्या है आपका, ये सब पेपर है, तो इसको ये आपका मटेरियल्स में आ जाएगा, कॉपी, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। उसके बाद आप लोगों का प्रिक्वेशन लेना है। प्रिक्वेशन मतलब कि क्या है, जिसमें आपका कितना क्या क्या होगा, टाइम लिमिट कितना है, वो आप पहले से ही अवेयर होना है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो साइलेंस होना है, तभी वो अच्छा से कंसंट्रेट से कर पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और इंस्ट्रक्शन में आपका दो है, ए एंड बी, जनरल इंस्ट्रक्शन कैसा करके इंस्ट्रक्ट करेगा, और उसके बाद में स्पेसिफिक जो बात में जब आप इंटरप्ट करेगा ना, तब आपका यहाँ पे स्पेसिफिक आ जाएगा। नाउ प्रोसीडियर, प्रोसीडियर कैसा है, सो प्रोसीडियर में क्या है, आई प्रिपेयर 20 सैंपल पेजेस, मैंने बताया है आपको जो 20 सैंपल पेजेस होना है, 20 पेपर, एंड कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, यानी कि जितना भी आपका ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट है उसको लेना, ईच अल्फाबेट रिपीटेड एट 10 टाइम्स, ठीक है। ए जो 10 टाइम्स होगा, जेड जो 10 टाइम्स होगा, बी जो 10 टाइम्स होगा, तो वो बॉक्स में आपको ऐसा लगाना है इन हपरजेड मीनिंग में, मतलब उल्टा पुल्टा, एक साथ में नहीं होना है ए ए बी बी, ऐसा नहीं, सो उल्टा पुल्टा होना है। द टास्क इन दिस एक्सपेरिमेंट इज टू सर्कल सेवरल लेटर्स एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना हो सके हम लोग जल्दी जल्दी सर्कल करना है। ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ऑकर्स इन इक्वल नंबर्स ऑफ 10 ऑफ टाइम्स इन एवरी पेजेस, ठीक है, हमें सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मतलब कि 10 10 अल्फाबेट। द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू सर्कल फोर अल्फाबेट, यानी कि आपका जैसे कोई भी रेंडमली आप ले सकते हैं, ए हो गया, सी हो गया, एन हो गया, ओ, कोई भी आप चार अल्फाबेट डालना है, अल्फाबेट इन ईच ट्रायल्स, 10 ट्रायल्स ऑफ द 1 मिनट, आपको 1 मिनट का अंदर में एक पेज को कंप्लीट करना है। इज द गिवेन टू द सब्जेक्ट व्हेन द पीरियड ऑफ वर्क ऑन द 10 ट्रायल्स आर कंप्लीटेड, द लेटर सर्कल ड्यूरिंग द गिवेन टाइम आर टू क्या है, काउंटेड एज ए एक्सपेरिमेंट, जितना होगा उसके ऊपर में आपको काउंट करना है। नाउ अभी आपका यह में दो कंडीशन है, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड टू कंडीशंस, कैसे टू कंडीशन होगा, फर्स्ट में क्या होगा, ये आपको कंटिन्यूअसली प्रोसेस कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस ऑफ 10 मिनट्स दैट इज 10 ट्रायल ऑफ 1 मिनट ईच सीट शुड बी गिवन टू द सब्जेक्ट, नंबर्स ऑफ अल्फाबेट सर्कल आर टू द रिकॉर्डेड एट एवरी ट्रायल, दैट मीन्स आपका एक पेपर जो 1 मिनट का होगा तो ये आप उसको कंटिन्यू देखते रहेगा, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकेंड में आपका क्या होगा, इंटरप्टेड प्रोसेस परफॉर्मेंस अंडर दिस इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब आप उसको रुका देगा और बोलेगा कि आपका टाइम कम है, 2 मिनट है, 1 मिनट है, ऐसा बताएगा। प्रोसेस 2 मिनट्स रेस्ट इन द इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 ट्रायल्स एंड एवरेज इज टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, मतलब 5 हो जाने के बाद आप उसको इंटरप्ट करेगा कि आपका टाइम कमती हो रहा है। प्रोसीडियर के बाद में आपका आता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में आपका वही जैसा सब्जेक्ट वन में आया था, जो उसको जो बोला है उसी को ही फेस करना है, ठीक है, इसमें आप ये नहीं करना है उसके लिखने वाला को नहीं, जैसा आप मेमोरी टेस्ट में फेस किया था वैसे फेस करना है। नाउ अभी आपका ऑब्जर्वेशन टेबल वन, ठीक है, योर टेबल वन ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपको इस तरह से फ्रेम करना है, जितना भी आंसर आएगा या मैं एग्जैक्ट आप लोगों को नहीं करना है, ये जैसा कॉपी है या मैं कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, या मैं टोटल आपका 10 मिनट्स होगा ना,
10 मिनट्स होगा। यहाँ पे नील इनकरेक्ट को नहीं देना है, करेक्ट को देना है। दिस इज योर टोटल। पहला क्या ऑब्जर्व किया है उसको पता चला। सो ऑब्जर्वेशन वन में क्या है, एवरेज नंबर ऑफ करेक्ट सर्कल लेटर इन कंटिन्यूस कंडीशन। जहाँ पे आपका क्या था, जो कंटिन्यूस नंबर आया है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल लेटर, यानी इनकरेक्ट को नहीं करेक्ट करना है, बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। दैट मीन्स इतना उसका करेक्ट आया है और उतना से उसको डिवाइड करने से इतना आ जाएगा, ये उसका रिजल्ट है। नाउ ऑब्जर्वेशन टू, दिस योर ऑब्जर्वेशन टेबल टू, जिसमें आपका स्वइंग परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट इन द इंटरप्टेड प्रोसेस में किस तरह से होगा। यहाँ पे आपको 5 नंबर तक कर लेना है, उसके बाद आपको इंटरवल या इंटरप्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू जाएगा ये 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, ये जाएगा सेम। ये 10 मिनट्स होगा टोटल और ये नील होगा, यही है आपका डेमो के लिए, देख सकता है। ऑब्जर्वेशन भी सेम है, यहाँ पे वही होगा टोटल नंबर ऑफ सर्कल लेटर, ऑब्जर्वेशन टू में भी ऐसा ही होगा। नाउ अभी यहाँ पे आपका क्या करना है, रिजल्ट को बताना है, क्या रिजल्ट आया है, कैसे नहीं आया है, उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन करना है, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना है। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि नंबर ऑफ द सैंपल पेपर, उसके बाद नंबर ऑफ द करेक्ट सर्कल लेटर्स। तो जो जो लेटर्स डाला है, टेबल वन का ये है, टेबल टू का ये है, तो ग्राफ में इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ओके, दिस इज डेमो। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, हर किसी को लिखना है, ये अपना हिसाब से लिखना है। ये साइकोलॉजी टेस्ट के हिसाब से आप एजुकेशन को कैसा इम्पैक्ट बनाएगा, कैसा बड़ी मतलब जो बोरिंग हो जाता है उसको कैसा आप अच्छा तरह से स्मार्टली पढ़ाएगा, ये आपका इम्प्लीकेशन में बताता है। सो आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बाद में आपका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। यहाँ में पहले मेमोरी में कंक्लूजन नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे कंक्लूजन लेना है कि क्या हुआ था। सो दिस इज द डेमो पेज। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट वन पेज नंबर, ये एक रैंडमली अल्फाबेट लिया है, ए जे बी के जे ना, तो यहाँ पे जो सर्कल किया है ये उल्टा पुल्टा होगा, या में ए भी 10 टाइम्स होगा, जे भी 10 टाइम्स होगा, ऐसा करके सो लास्ट में या में आपका क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स को यहाँ पे सर्कल करके रखना है, हर पेज का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके रखना है। सो दिस इज योर फैटिक, इसको जल्दी से जल्दी कर लो, एनी कन्फ्यूजन।